जो ये पुराना ये हत्याकांड था 143/19 थानाहटा का, इसमें जो आरोपी थे उसमें से गोविंद सिंह भी थे, जिनकी तरफ से हमारे पास दो तीन आवेदन पत्र मिले थे जिनके उसमें उन्होंने एलिबाई बताया था और अपने पक्ष में कुछ उन्होंने चीज़ें बताई थी जिसको हमने विवेचना किया था। और 173(8) में इनके खिलाफ अभी हमने विवेचना को जारी रखा है, और तब तक के लिए जब तक कि आरोप साबित नहीं होते तब तक के लिए अभी हमने इसमें इनाम निरस्त करवाया है। बिल्कुल, अभी उद्घोषणा हटा दी गई है तो अभी इनके खिलाफ कोई वो नहीं है, सर प्रतिबंध नहीं FIR है। हुई थी सर, उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार सर इनके ऊपर कार्रवाई की। FIR में बिल्कुल ये नामजद थे, लेकिन इन्होंने जो आवेदन दिया था उसके आधार पे हमने जो कथन और जो साक्ष्य संग्रह किए थे, जो वेशना में हमने अभी इसमें लगाए हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी आके डिसीजन की स्थिति में है। सारे विवेचना में जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर जो पाया जाएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी, इसलिए अभी 173(8) में इसको ओपन रखा गया है। हम लोगों को जान का खतरा है और हमारा बेटा भी खुलेआम नहीं घूम सक रहा है, हमारे परिवार वालों को भी खतरा है, हमारी बच्चियां कॉलेज नहीं जा पा रही, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हम लोगों को बहुत डर लग रहा है कि हम लोगों के साथ कुछ करना बैठे। अब हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, कभी SP ऑफिस, कभी जहाँ जहाँ पर न्याय के लिए हमने आवेदन हो सकते, मुख्यमंत्री से लेके राज्यपाल महोदय, IG महोदय, सब जगह हम आवेदन दे चुके हैं। अब हम इतने परेशान और इतने वो हो गए न्याय के उसमें कि हम अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने में भयभीत रहते हैं, हम अपने दैनिक कार्य में आने जाने में डर रहता है, क्योंकि गोविंद सिंह बहुत खतरनाक अपराधी है, वो कमलनाथ के संरक्षण में है, रामबाई अपने विधायक पद का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है, वो सरकार से अब हम उम्मीद तोड़ चुके हैं क्योंकि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी पुलिस को पकड़ने के लिए इससे ज़्यादा क्या प्रमाण कि वो खुलेआम घूम रहा है, और जो न्यायालय में अभियोग पत्र है उसमें बता रहे कि वो मिल नहीं रहा है, अब खुलेआम घूम रहा है और मिल नहीं रहा, पुलिस जानबूझ के नहीं पकड़ रही है, अब न्याय नहीं मिल रहा तो अब हम क्या करेंगे, हमें लग रहा कि हम अपने परिवार सहित पूरा अपना परिवार समाप्त कर लेंगे, क्योंकि ऐसे घुट घुट के एक एक व्यक्ति मरे, इससे अच्छा कि हम लोग पूरे एक साथ कहीं ना कहीं अपने आप को समाप्त ही कर लें। आज का इस वीडियो देखने के पहले तक मुझे कमलनाथ सरकार पर पूरा भरोसा था कि कमलनाथ सरकार मुझे न्याय दिलाएगी, लेकिन आज का वीडियो से मतलब मन और पूरा दिल सब टूट गया। आज ऐसा लग रहा है कि मुझे न्याय मिलने की स्थिति में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि न्याय मुझे मिलेगा, और दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह है कि पूरी घटना का प्रत्यक्षदर्शी मैं खुद आहत था घटना में, मेरे खुद के स्टेटमेंट थे न्यायालय में, मेरे 164 में स्टेटमेंट हुए थे जिसमें मैंने गोविंद सिंह और अन्य जो 6 मुख्य आरोपी हैं और साथ साथ जो सभी लोगों को मैंने अपने बयानों में नाम लिया था, उसके बाद भी सरकार के दबाव में और पुलिस पर सरकार के दबाव में पुलिस काफ़ी ज़्यादा दबाव में आकर किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर रही गोविंद सिंह के ऊपर, इसका आज नतीजा है कि 4 महीने पिताजी की मेरी हत्या होने के बाद भी आज गोविंद सिंह पकड़ा नहीं गया, वो खुलेआम विधानसभा में घूम रहा है। इस बात से तय है कि कमलनाथ सरकार कहीं ना कहीं हत्यारों को संरक्षण दे रही है। आज पिछले 3 महीने से मैं लगातार समय ले रहा हूँ कमलनाथ जी से मिलने का, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 3 महीने से 4 महीने से मुझे समय ना मिला, और पीड़ित पक्ष में हूँ, मुझे समय नहीं मिला, और दूसरी ओर जो अपराधी है वो लगातार आप भी देखिए विधानसभा जैसे एक लोकतंत्र के मंदिर में एक अपराधी 302 का अपराधी, समझते थे कि भाई कहीं ना कहीं राजनीति से बढ़ के मानवीय धर्म पहले होता है, लेकिन इस घटना के बाद जो मैंने आज वीडियो देखा उसके बाद ऐसा लग रहा कि मानवीय धर्म से पहले सत्ता बचाना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है।